नमस्कार, हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम नारी है। वैष्णो महिला समिति की अध्यक्ष मनीषा देशमुख ने बताया कि हमारी संस्था सामाजिक क्षेत्र में काफी योगदान कर रही है। लगातार हम लोग प्रयासरत रहे हैं कि गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके उज्जवल भविष्य तक हम लोग सहयोग करें। समिति में महिलाएं भी आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। तरह तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग एकजुट होकर समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। प्रकृति हरी भरी, हम लोग वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। भोपाल के अनेक क्षेत्रों में समिति ने कोरोना काल में काफी लोगों की मदद भी की। हमको कोई सरकारी योगदान नहीं मिलता, मगर हमारी समिति में महिलाएं योगदान करके हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। वही समिति की संगीता तायडे सामाजिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष ने बताया कि वैष्णो महिला समिति काफी सारे प्रोग्राम करती है। हमारी समिति अभी हम 22 तारीख को स्कूलों में कॉपी किताब वितरण करेंगे। गरीब बच्चों को सही शिक्षा मिले हम प्रयासरत रहते हैं। समिति में काफी महिलाएं जुड़े हुई हैं। हम लोग समाज सेवा के माध्यम से भारत देश का नाम देश और दुनिया में रोशन हो, यही संकल्प लेकर समिति सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। नमस्ते, मैं वैष्णो समिति में सामाजिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि मनीषा जी ने बताया कि काफ़ी सारे कार्यक्रम हमारे होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। जैसे अभी हम लोग स्कूल में कॉपी किताब वितरण का कार्यक्रम रखने वाले हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनके माँ बाप पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे पाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये बनाया है कार्यक्रम, तो वो आगे हम लोग रखने वाले हैं। और बाकी वृक्षारोपण का कार्यक्रम सभी महिलाएं मिलकर करती हैं और सभी महिलाओं के लिए हम लोग मनोरंजन भी रखते हैं। जैसे हरियाली महोत्सव पे हम लोग तीज पे कार्यक्रम रखते हैं, महिलाओं को इकट्ठा करते हैं। और ये सब हमारे वैष्णो समिति द्वारा ही होता है। हमारी मनीषा जी का इसमें प्रमुख भाग रहता है, वो काफ़ी साथ देती है सभी महिलाओं का और आगे भी देती रहेगी। जी, हमारी समिति रजिस्टर समिति है। 2017 से हमने समिति का निर्माण किया था और मेरा नाम मनीषा देशमुख है। वैष्णो परिषद में निवास करती हूँ मैं। और हम करीब 15-20 लोगों ने मिलकर हम लोगों ने यह समिति का, और उद्देश्य केवल यही था कि जो मीडियम मध्यम परिस्थिति की जो महिलाएं रहती हैं उनकी प्रतिभाओं पर निखारना और अपने हिंदू धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाना। हिंदू धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम पर्यावरण को भी देखते हैं। पर्यावरण के तहत हम लोग वृक्षारोपण भी करते हैं और जितने भी त्यौहार आते हैं उन त्यौहार को मनाने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो ज़रूरतमंद है, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को हम लोग रोज़गार भी दिलवाते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए पुस्तक सामग्री, शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध करवाते हैं। और अभी जैसे हम लोगों ने इस साल से, ये पहला ही वर्ष था, 25-26 दिसंबर को हम लोगों ने मेला लगाया था। मेला हमने 2 दिवसीय मेला था और उन में हमने प्लेटफॉर्म दिया था जो ऑनलाइन बिजनेस करती है महिला, उन महिलाओं को हमने अपने वहाँ पर शॉप मतलब एक टेबल ऑर्डर किया था। उस टेबल पे उन लोगों ने अपनी शॉप लगाई थी और उससे उनके रोज़गार भी हुआ और उनकी एडवर्टाइज भी हुई। उनके एडवर्टाइज करते करते उनके कम से कम काफ़ी आमदनी भी उनको उससे हुई। और इसी तहत अभी हम लोग अपना घर जो वृद्धाश्रम है वहाँ पर भी जाते हैं, अनाथालय में भी जाते हैं। एक सेवा कार्य के तहत ही हम लोगों ने समिति का निर्माण किया था और अभी 5 से 6 साल हो चुके हैं हमें समिति को। और आगे लक्ष्य है कि हमारा खुद के समिति का एक वृद्धाश्रम हो और वृद्धाश्रम के साथ अनाथाश्रम भी हो। केवल एक वृद्धाश्रम नहीं हमारा उद्देश्य है, अगर बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं अगर वृद्ध लोगों के साथ रहेंगे तो उनके संस्कार भी उनको मिलेंगे और अनाथ बच्चों को यह नहीं लगेगा कि हम अनाथ हैं। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य है हम लोग। और ख़ास बात है कि हमें कोई भी सरकारी सपोर्ट नहीं मिलता है। जो भी सपोर्ट, जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, हम महिलाएँ ही आपस में मिलकर करते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं भी एक मध्यम परिस्थिति की हूँ तो मेरे पास भी अनाप शनाप पैसा नहीं है और हम क्लब पार्टीज नहीं है हमारे, इसलिए हम थोड़े थोड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। कार्यक्रम करने का उद्देश्य केवल एक रहता है कि महिलाएं खुश रहें।
महिलाएं अगर खुश रहेंगी तो घर परिवार भी खुश रहेगा, क्योंकि अगर महिलाएं कितनी भी टेंशन में रहती तो वो बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे सकती। इसलिए टेंशन से निकलने के लिए हम लोग कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम करने से फिर महिलाएं भी खुश होती हैं और महिलाओं के साथ साथ उनका घर परिवार भी खुश होता है।